तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस संगम इंडिया लिमिटेड क्वार्टर टू 2021-22 का रिजल्ट आ गया है, तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे सीधा रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है वो लैक्स में दिया गया है। हमें पहले कॉलम में इस क्वार्टर का रिजल्ट, सेकेंड कॉलम में लास्ट क्वार्टर का और थर्ड कॉलम में लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। गाइस जो रिजल्ट है वो लैक्स में है, हमें इसको करोड़ में करके बताएंगे ताकि आसानी रहे। तो सबसे पहले हम इनकम में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी के 638.5868 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 411.17 करोड़ और लास्ट ईयर था 312.44 करोड़। अगर टोटल इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम रही 642.2 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थी 412.95 करोड़ और लास्ट ईयर थी 313.29 करोड़। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी के जो इनकम जनरेट हुई है इस क्वार्टर में वो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी बड़ी है। अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करें कि कंपनी को कितना खर्चा हुआ इस क्वार्टर में, तो इस क्वार्टर में 595.36 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में हुआ था 392.88 करोड़ का और लास्ट ईयर था 319.09 करोड़ का। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें बिफोर पेइंग द टैक्स, जो कि होते हैं टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 46.84 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लास्ट क्वार्टर में 20.07 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और लास्ट ईयर कंपनी को लॉस हुआ था 5.8 करोड़ का। तो आप इधर रिजल्ट प्रॉफिट्स में भी देख सकते हैं कि कंपनी को इस क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट हुए हैं। अगर हम टैक्स पे करने के बाद की प्रॉफिट्स की बात करें तो इस क्वार्टर में 29.87 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 12.89 करोड़ और लास्ट ईयर माइनस लॉस हुआ था 4.24 करोड़ का। अगर हम अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो इस क्वार्टर में 6.88 रुपीज़ के, लास्ट क्वार्टर में 2.96 के थे और लास्ट ईयर थे माइनस में 1.08 के। गाइस जैसे कि आप रिजल्ट देख ही सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है वो लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी ही अच्छा आया है, तो कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकें।